जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। डीडीसी वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साबका मेंबर असेंबली व उन लीडरों पर ताबड़तोड़ हमले किए जो ये कह रहे थे कि अशफाक चौधरी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तमाम काम हैं जो वो बताते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने रोड सेक्टर के अंदर बहुत सारी रोडें लाई हैं जहां पर साबका मेंबर असेंबली ने काम नहीं किया था, वहां तक मैंने रोड पहुंचाई है। वहीं उन्होंने पीएचई सेक्टर की बात की, पीडीडी सेक्टर की बात की। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से स्कूल हैं जो वो अपग्रेडेशन और उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं जो वो दुरुस्त किए हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि सब डिविजन महेंद्र के अंदर बहुत से तारीखी स्टेडियम है जो वो बनने जा रहे हैं और कुछ का काम चल रहा है और बहुत से बन चुके हैं। उन्होंने तफसील से जानकारी देते हुए कहा कि 2 साल 2 माह के बाद आज मेरा मीडिया के सामने आने का मकसद यही है कि मैं 2 साल में सिर्फ मेरा काम पर फोकस था। आज मैं कौम को बताना चाहता हूं, मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि मैं मीडिया में कम और काम में ज्यादा मसरूफ रहता हूं, इस वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूं। उन्होंने तफसील से बताया, एक एक पंचायत उन्होंने गिनती करके बताई कि उसमें मैंने इतना काम किया है। उन्होंने सड़कों के हवाले से बताया और उन्होंने ये आवाम से वादा किया कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर है जो सब डिविजनल महेंद्र और खासकर ब्लॉक सी की तमाम सड़कों पर बीटी का काम है जो वो मुकम्मल हो जाएगा। आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशफाक चौधरी क्या कहते हैं। रोड जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान की मेरे ब्लॉक से हटके थोड़ा सा, लेकिन लोग गुजरों का मल्ला ठेरा में था, उसमें उन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हमारे एक्सलेटर के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी भीख मांगते 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 परेशान होकर अल्टीमेटली मेरे पास आए। वो रोड जो है मैंने फेयर वेदर भी करवा दी और उसका शिंगल मेटल भी करवा दिया, लेकिन उसके साथ मेरी काउंसिल के मेम्बर ऑनरेबल वाजिद बशीर खान साहब वो भी मेरे साथ हैं, उनके ब्लॉक में ये काम हुआ है। मैं आवाम को आगाह कर देता हूं कि जिस दिन मैंने ओथ लिया, ओथ लेने पे 1 किलोमीटर पे ब्लैक टॉपिंग नहीं थी मेरे ब्लॉक में। अल्लाह के फजल और करम से मैं अवाम से अवाम के बीच में अपनी बात फख्र से रख रहा हूं कि 90 किलोमीटर में बीटी मैंने करवा दी है और मैं दावे से कहता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 मीटर रोड जो है वो ब्लैक टॉपिंग के बगैर नहीं रखूंगा इंशाल्लाह। मादी उसकी फेयर वेदर किया, शिंगल मेटल करके बीटी भी कर दी, 1 साल में रोड शुरू की, 1 साल में ही कंप्लीट कर दी। उसके बाद पठाना तीर रोड जो है चैतरी पन्याला ये इस साल आई है, टेंडर हो चुका है इंशाल्लाह। 2 किलोमीटर रोड जो है मैं लोगों को इस साल प्रोवाइड करूंगा, जिसका टेंडर भी आ चुका है, हो चुका है, फंड्स भी आ चुके हैं। मल्ला दे दौरान गुजरा ये लोग जो है 100% जावेराना को वोट देते रहे, लेकिन नहीं रोड दे पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोड भी दी उनको, आज मैंने टेंडर भी हो चुका है और उनके फंड्स जो है वो भी लाए। नक्का उनकी रोड जो है वो आ गई है, उसके पैसे भी आ चुके हैं और टेंडर भी होने जा रहा है। बाकी मेरे इलाके में विजिट के दौरान मैंने देखा कि ये बनोला विलेज जो है इसकी इंटीरियर कनेटी जो विलेज है, कनेटी के बीच में नाला जो है चोर नाला इसको बोलते हैं, इसमें लोगों को कलवर्ट्स की जरूरत थी, तो 9 लाख रुपया मैंने वो कलवर्ट के लिए लाया, जिससे मुझे लगता है कि वो कलवर्ट के टेंडर भी हो चुके हैं और वो काफी फायदेमंद साबित होगा लोगों के लिए। और छुंगा में छुंगा नाला पे एक जगह कलवर्ट की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी लोगों की, बार बार लोग मेरे पास आते थे, उस कलवर्ट के लिए भी 9 लाख रुपया आया और वो कलवर्ट इंशाल्लाह 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मल्ला चिब्बा गखड़ा सलवा में ये रोड जो है ये रूरल कनेक्टिविटी में मैंने बनाई है, ये कुल मिला के 40 काम ऑलमोस्ट रोड सेक्टर में मैंने किए हैं 2 साल की मुद्दत में। और मैं अवाम को ये दावे से कहूंगा और वादा करता हूँ कि मैं 2023-24 के बीच में हर सड़क को कंप्लीट करके हैंडओवर करूंगा और ब्लैक टॉपिंग करके दूंगा। रोड सेक्टर में जब मैंने ओथ लिया तो मेरे ब्लॉक में 1 किलोमीटर पे बीटी नहीं थी, 1 मीटर पे बीटी नहीं थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरे मीडिया हजरात जब भी विजिट करेंगे इलाके में तो इंशाल्लाह हर तरफ बीटी बीटी मिलेगी। पिछले दिनों हमारे लीडर साहब जो कह रहे थे MLA साहब के रोड सेक्टर में यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ धांधलियां हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये बात कहने से पहले शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए कि तू छोड़ के क्या आया था और आज क्या मतलब
काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म शर्म तुमको मगर नहीं आती, इलाके में विजिट करते हो, गाड़ी अपनी पे जाते हो ना जनाब, देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं फोर्थ सेक्टर में 15 प्ले फील्ड स्कूल्स की बनाई, उसके बाद मैंने मेंडर में 9 स्टेडियम लाए जिसमें 4 स्टेडियम जो है मेरे, एक तो भाटीदार में वो नियर कम्प्लीशन है। हमारी यूथ जो है ड्रग्स से हट के अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहूंगा कि जो चिट्टा और नशे के चक्कर में बच्चे नाले के बीच में घूमते थे वो आज ग्राउंड के बीच में दिख रहे हैं, और मेरे लिए भाई से फख्र है ये बात, और मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री का भी ये मिशन है कि यूथ जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ जाए। ये स्टेडियम कंप्लीट होने जा रहा है, बाकी नक्कर स्टेडियम जो वहां के बच्चों का भी बहुत धरीने मांग थी, ये स्टेडियम कंप्लीट हो चुका और हैंड ओवर कर दिया डिपार्टमेंट को। एक एथलेटिक ट्रैक 7 करोड़ का स्टेडियम सेंक्शन भी हो चुका, टेंडर भी हो चुका है, इन दिनों जम्मू की एक शर्मा फर्म है उसको अलॉट हो चुका है और वो काम मेरा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें यूरोपियन कंट्री से मैट 3.5 करोड़ की मैट बिछेगी उस पर, जिसको पूरी मैंडर जो है उसमें शर्त ये थी कि 50 कनाल स्टेट लैंड चाहिए थी, लेकिन मैंने अड़ी में बनवाना चाहा तो वहां ऑब्जेक्शन रेज हुआ, तो फिर मैंने अल्टीमेटली देखा कि लेफ्ट राइट कहीं जगह नहीं है, तो मैंने अपने ब्लॉक में मेरे पास मेजर चंक ऑफ लैंड जो स्टेट लैंड का था, मैं एसडीएम साहब का तहसीलदार जो का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी एक ही दिन में लैंड प्रोवाइड आइडेंटिफाई करके दे दी, और आज काम जो है उनकी वजह से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं छोटे मोटे स्कूल तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन इस साल का मेरा जो मिशन है हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल है, मैंने उसको अडॉप्ट किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल का स्टेडियम जो है इस साल 1 करोड़ रुपया मैंने लाया और उसका टेंडर भी हो चुका है, होने जा रहा है, फंड आ चुके, और वो स्टेडियम जो है तारीखी स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल में, ताकि एक मॉडल हायर सेकेंडरी दिखे। उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने डिग्री कॉलेज के लिए ये स्कूल जो है मेरा तहिया है, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर में छतराल हायर सेकेंडरी को डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंडर अल्लाह के फजल करम से 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है, और इस हायर सेकेंडरी को मैं अपनी तहसील की यूनिक हायर सेकेंडरी पेश करूंगा इस साल। में छतराल हायर सेकेंडरी के स्कूल मैंने पिछले दिनों बात की अपनी किसी सेक्टर में, तो लाइब्रेरी जो है अच्छी लाइब्रेरी हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल के करीब में बनाने जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े गिनवा रहा हूँ जो अवाम के बीच में आ जाए और लोगों को ये पता लगे कि हमारा नेता जो है वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। मैंने अजम किया था और अल्लाह से वादा, इलेक्शन जीतूंगा, एक तो पहले करप्शन नहीं करूंगा, दूसरा नंबर यह है कि अवाम के हकूक उनके उनके घर तक पहुंचाऊंगा, और आज मैं फख्र से कहूंगा, मैं अपनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस अवाम ने मुझे इलेक्शन जितवाया, और आज ये काम जो है दर्जनों सैकड़ों काम जो है गिनवा रहा हूं अपने मीडिया हजरात के सामने। मैं पीएचसी छतराल जो जिसमें गधे और खच्चर जो अंदर जाते थे उसकी कंपाउंड वाल करवाई, उसकी रेनोवेशन करवाई, और एमओ क्वार्टर इस साल जो है रेनोवेट करवाया, उसकी कंपाउंड वाल करवाई, और उसके बाद मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का बहुत मशहूर हूँ कि उसने पिछले विजिट में मेरे जम्मू के विजिट में उन्होंने वादा किया था कि मैं बेहतरीन फिजिशियन जो है छतराल के लिए दूंगा, जो नाइट को वहां स्टे करेगा और पब्लिक विलेजर्स को फायदा मिलेगा। मेरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कवरेज शायद ना मिल पाए। मैंने अपने ब्लॉक में कोई मस्जिद ऐसी नहीं छोड़नी कि जिसमें टॉयलेट कंप्लेक्स 4 नंबर ऑफ टॉयलेट्स हर मस्जिद में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में क्या कर रहा हूँ वो भी मीडिया हजरात के सामने और अवाम मेंडर के सामने अपने इंशाल्लाह जो एक्टिविटीज जो है मैंने की है वो रखूंगा। बाकी पीडीडी सेक्टर में मैंने ग्रेडेशन जो है 45 ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन करवाई है, न्यू क्रिएशन जो है 20 ट्रांसफार्मर्स की है, और इस साल मैंने जो पैसा रखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेजर पैसा जो है मैंने पीडीडी सेक्टर में रखा है, ताकि इलाके में जो दुश्वारियां बिजली सेक्टर पीडीडी सेक्टर में है वो सारी कवर हो जाए। जैसे पीएचई सेक्टर में मैं एक्स लेजिस्लेटर उसमें सलवाइक प्रोग्राम में था कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं 2 महीने के अंदर पानी दे दूंगा। जनाबे वाला आप अपने गिरे बाह में मुंह डालें कि आपके दौर में जो टैंक्स बने थे उनके मुंह खुले हुए कि नहीं, 10-10 साल से उनमें पानी डाला। मैं दावे से कहूंगा जहां 1 किलोमीटर पाइप लेंग थी वो वहां की वहां पड़ी हुई, और लोगों ने वहां पाइपें उखाड़ के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लॉस किया, और आज मैं दावे से कहूंगा कि मैंने अजम किया हुआ कि मैं चोरी नहीं करूंगा, उसकी वजह से आज मैं दावे से कहूंगा कि मेरे ब्लॉक में
पूरे डिस्ट्रिक्ट के फंड्स में से 30% फंड्स मैंने अपने ब्लॉक में लाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट का शेयर एक साइड और मेरा 30% पैसा जो मैंने अपने ब्लॉक में लाया। मैं 55 स्कीमें मेंडर के लिए हमारी काउंसिल की मदद से, मेरे भाई जो है मेरे काउंसिल के मेंबर इमरान साहब हैं, वाजिद बशीर टिकू हैं, वाजिद साहब हैं किबला, अपने कयूम खान साहब हैं, जो भी हमारे बीडीसी डीडीसी सारे हजरात की मदद से 58 स्कीम आउट ऑफ 128 स्कीम्स मेजर, और 60% पैसा जो है वो मैंने मेंडर के लिए लाया और 40% पैसा जो है वो तहसील सुनकोट और पुंछ के लिए। मैं अपनी काउंसिल के मेंडर के जो हमारे भाई हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी एफर्ट्स भी जो है मेरे साथ थी उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ब्लॉक में। मैं अवाम के बीच में ये वादा करता हूं कि इन झूठे लीडरों इन्होंने अपने दौर में क्या किया वो आपके सामने है। देखो सूरज को अगर चिराग दिखाएं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुरान कहता है लानतुल्लाही अलल काज़िबीन कि झूठे पे अल्लाह की लानत हो, हैं जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की लानत होनी चाहिए, भगवान की लानत होनी चाहिए। मैं अगर झूठा हूं तो मुझ पे भी, अगर वो झूठा है तो उस पे भी होनी चाहिए। क्यों और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, पीएचई के टैंक्स जो है मैंने अपने कैपेक्स में रखे। जी नाज़रीन, ये थी अशफाक चौधरी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए हुए कामों पर उन्होंने तफसील से जानकारी दी कि उन्होंने अपने 2 साल के इस पीरियड में क्या काम किए हैं, उन पर उन्होंने रोशनी डाली। हम दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।